हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ज़रदा राइस, यानी कि मीठे चावल। ये बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आसान सी रेसिपी है, चलिए शुरू करते हैं ज़रदा राइस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप भरकर बासमती चावल लिए हैं, ये आधा किलो चावल है। और एक कप के लिए मैंने 3/4 कप तक चीनी इस्तेमाल की है। आप चाहें तो एक कप के लिए एक कप बराबर भी ले सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। कुछ टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 हरी इलायची लिए। केवरा एसेंस ऐड करना ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर दें। और फूड कलर, और साथ में लिए हैं कुछ नट्स। अब यहाँ पर हम चावल ले लेंगे। मैंने ये एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल इस्तेमाल किया है, तो इससे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत एनहांस होके आता है। इसको हमने कम से कम 4 से 5 पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए इसको भिगो दें। जब वो बहुत अच्छे से भीगता है तो फिर बहुत अच्छे से कुक भी होता है। तो बस इसको साइड में कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर खुला पानी उबलने के लिए रख दिया है। आधा किलो चावल के लिए 1.5 से 2.5 लीटर पानी है, और बस उसके अंदर हम फूड कलर ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल किया है लिक्विड। आप चाहें तो जो पाउडर फॉर्म में मिलता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम चेक कर लेंगे, अगर इसमें कलर बहुत ज़्यादा कम है तो आप थोड़ा सा और कलर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया था, बिकॉज मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था कलर। फिर मैंने इसको कवर कर लिया था ताकि तेज़ी से उबाल आ जाए इसमें। जैसे ये उबलने लगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावलों का पानी पूरा मैंने निकाल लिया है और फिर यहाँ पर चावल ऐड कर लिए हैं। गैस का फ्लेम आपने इस समय हाई ही कर लेना है ताकि तेज़ी से उबाल आ जाए इसके अंदर। जैसे ये उबलने लगे तो फिर गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम कर लेना है, और इसको हमने कम से कम 12 से 15 मिनट बहुत अच्छे से कुक कर लेना है। चावल 100% कुक हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी कनी नहीं रहनी चाहिए, और चावल सॉफ्ट होने चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए चावल पूरा कुक हो गया है इसके अंदर। अगर आप इसको कच्चा निकालेंगे तो फिर चीनी ऐड करने के बाद ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से इसके ग्रेन्स लॉन्ग हो गए हैं और चावल बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो बस पानी पूरा इसका निकाल लेते हैं और इसको हम साइड में रख देंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट के ऊपर उसको फैला लें ताकि उसमें से स्टीम निकल जाए और चावल जो है वो खिले खिले ही रहे, छुट्टे रहे। अभी यहाँ पर मैंने देसी घी ऐड कर लिया है पतीले के अंदर। 4 से 5 टेबलस्पून लिया था मैंने। आप चाहें तो 1/4 कप तक ऐड कर सकते हैं अगर आप कम ऐड करना चाहते हैं, बट इसमें थोड़ा सा अगर आप ऐड कर ले तो चावल बहुत मॉइस्ट और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए आपने फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और फिर खाने में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा ही हम इसको रोस्ट कर लेंगे ताकि ये हल्का सा क्रिस्प हो जाए, इससे इसका टेस्ट भी एनहांस होकर आता है। बस मैंने सारा यहाँ पर निकाल लिया है, और अब आपने इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर लेने हैं, जैसे कि लौंग, दालचीनी और इलायची। लेकिन मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई थी और मैंने इसमें सीधे चावल ऐड कर लिया, तो आप ये गलती मत करिएगा। चावल आपने ऐड करना है कुछ कुछ बैचेस में, थोड़ा थोड़ा ऐड कर ले और फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चीनी ऐड कर ले। ऐसे आपने 3 से 4 लेयर लगाने हैं। तो एक लेयर चावल का लगा ले, उसके बाद चीनी का एक लेयर लगा ले, फिर चावल का एक लेयर, फिर चीनी का एक लेयर। इससे चावल टूटेंगे नहीं। अगर आप चीनी सारा ऐड करके एक साथ मिक्स करेंगे चावल के साथ तो चावल बहुत टूट जाएंगे इसके अंदर। तो बस इसको थोड़ा सा आपने स्प्रेड कर लेना है। अब इसको आपने छूना नहीं है, बस कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ दें ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी अलग से गर्म कर लिया है, और इसके अंदर मैं लौंग, दालचीनी और इलायची ऐड करेंगी। इलायची को खोलकर ऐड कर लें, क्योंकि मैं नीचे तड़के में ऐड करना भूल गई थी चावल के अंदर, इसीलिए मैंने अलग से ऊपर से तड़का दिया है। लेकिन आप ये गलती नहीं करें, आपने तेल में ही, घी में ही सॉरी, उसको अच्छे से तड़का लगा लेना है और उसके बाद चावल ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ऊपर से मैं तड़का लगा रही हूँ, और फिर इसके ऊपर जो कटे हुए नट्स हमने फ्राई किए थे वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चेरी है या फिर खोया है या फिर टूटी फ्रूटी है वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा केवरा एसेंस खुशबू के लिए ऐड कर देंगे, तो इससे बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल भटियारा स्टाइल। और फिर इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए कुक कर लेते हैं। तो कुछ देर के बाद मैंने चेक किया था, इसको हमने नीचे से चेक कर लेना है। स्टीम तो बहुत अच्छी बन गई थी इसके अंदर। नीचे ये देखिए पानी है, यहाँ पर चीनी जो है उसने काफ़ी सारा मेल्ट होने के बाद पानी रिलीज़ कर लिया है। तो हमने इसको लो फ्लेम पर ही कुक कर लेना है, लो मीडियम कर लें फ्लेम, बहुत लो फ्लेम पर
इसको बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए, चम्मच चलाने से चावल टूट जाएंगे, इसीलिए आपने इस तरह से उसको बस मिक्स कर लेना है। तो मीडियम कर ले फ्लेम और इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। हमने बस उसको उतना ही कुक कर लेना है कि चीनी जो है उसका पानी पूरा ड्राई हो जाए इसके अंदर। तो यहाँ देखिए, चेक कर लेते हैं एक बार, तले पर लगने लगा है ये और पानी जो है ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो बस इस समय थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको और फिर गैस का फ्लेम आपने ऑफ़ कर लेना है। नीचे ये देखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो तैयार है मीठे चावल या ज़रदा, बहुत ही यमी लगता है ये खाने में, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें एक टिप बहुत ज़रूरी ये है कि आपने चावलों को 100% कुक कर लेना है, उसके बाद ही आप इसमें चीनी ऐड करें, वरना ये हार्ड हो जाता है और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कटे हुए नट्स ऑप्शनल है, आप जितना ऐड करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, खोया भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।